के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि ग्रैमी अवार्ड के विनर फेमस सिंगर मिस चैनी फॉरेन से वापस आ रही है और उसके साथ उसके दोनों क्यूट बच्चे भी होते हैं, याव याव जिसके पास फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की सुपर पावर है, और दूसरी रूरू जो बहुत ज्यादा सुपर स्ट्रांग है, वो किसी को भी गुस्से में उड़ा देगी। जेनी कहती है तुम दोनों को अपनी पावर सीक्रेट रखनी है। रूरू कहती है अगर हम पावर्स का यूज नहीं करेंगे तो डैडी को कैसे ढूंढेंगे। जेनी कहती मेरा बस एक ही मकसद है, उस हैंड से रिवेंज लेना। हम पास्ट में देखते हैं उसका पहले नाम जिया था, और हैन से कहती है अब मैं तुम्हारी और बैक स्टेज सिंगर नहीं बनना चाहती। हैन कहती है तूने चोरी छुपे दूसरी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया ताकि मुझसे बच जाएगी। पहले अपनी शक्ल देख कितनी अगली है तू, तुझे क्या लगता है तू मुझसे कंपैरिजन कर पाएगी। और उसे जबरदस्ती नशे वाले ड्रिंक पिला देती है। तभी हमारा मेन लीड मिस्टर मिंग जो नशे में था वहां से गुजर रहा था और जिया से टकरा जाता है, पर दोनों नशे में थे इसलिए मिस्टर मिंग उसे किस करने लग जाता है, और फिर क्या वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर जब जिया की आईज खुलती हैं तो देखती है उसने किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर ली, तो वो चुपके से अपने कपड़े उठाकर वहां से जाने लगती है, बट उसका ब्रेसलेट वहीं गिर गया था और मिस्टर मिंग ने जाते हुए उसके बैग पर बर्थमार्क देख लिया था। फिर जब जिया जा रही थी तो हैना आकर उसका कार एक्सीडेंट कर देती है और कहती है तुझे क्या लगा तुम उससे ज्यादा फेमस सिंगर बन जाएगी, मैं कभी किसी को अपने से ऊपर नहीं उठने देती, और चाकू मारने वाली होती है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। इनफैक्ट मिस्टर मिंग वहां पर अपने बॉडीगार्ड्स को लेके आ गया था। हैन भी वहां जाने लगती है तो कहता है वो कल रात वाली तुम ही थी ना, और ये ब्रेसलेट तुम्हारा ही है ना। हैन पहचान लेती है ये तो उस जिया का है। मिस्टर मिंग कहता है कल रात जो भी हुआ मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। हैन सोचती यानी उस जिया का फेमस सुपरस्टार मिस्टर मिंग के साथ बनने स्टैंड हुआ था, पर वो जिया तो मर गई है तो मैं उसके बनने का नाटक कर लेती हूँ और इस फेमस एक्टर की हेल्प से मैं भी एक्टर बन जाऊंगी। उसकी हरकत देख मिस्टर मिंग सोचता है ये उसके जैसी वाली तो नहीं लग रही, और हाथ छुड़ा कहता है मुझे अभी जरूरी काम है तुम ये बिजनेस कार्ड रख लो, और चला जाता है। पर हैन देखती है जिया वहां से गायब है, बट जिया उस वन नाइट स्टैंड से प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने ट्विन बच्चों को जन्म दिया था, और उसने अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली होती है ताकि हैन से बदला ले सके। याव याव कहता है मैंने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है डैडी कहीं आसपास ही हैं, तो मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ, तब तक तुम मम्मी का ध्यान रखना। रूरू कहती है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मिंग की एंट्री होती है, तभी याव याव आकर उसे हक्कर लेता है डैडी मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मिस्टर मिंग कहता है बच्चे तुम गलत समझ रहे हो। याव याव कहता है डैडी आप 28 के हो गए जेंडिंग प्लेस पे रहते हो, बचपन में एक बार आपके पीछे बुल पड़ गया था क्योंकि आपने रेड कपड़े पहने थे। वो उसका मुंह बंद कर कहता है ये सब तुम्हें कैसे पता। याव याव कहता है क्योंकि हम बाप बेटे हैं। मिस्टर मिंग सोचता है किसी ने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करके इस बच्चे को तो नहीं भेजा। तब इतने में जेनी चाहती है तो कहता है मम्मी मैंने डैडी को ढूंढ लिया। जेनी सोचती है फेमस एक्टर मिस्टर मिंग, सुना उस हैन की इसी के साथ एंगेजमेंट होने वाली है। जेनी याव याव को लेके जाने लगी थी तो मिस्टर मिंग उसका हाथ पकड़ लेता है क्या हम पहले कभी मिले हैं, पर वो मना करके जाने लगती है। तो याव याव कहता है डैडी हम दोबारा फिर मिलेंगे। मिस्टर मिंग पूछता है इस बच्चे का बाप कौन है, तो कहती है डेथ हो गई। फिर जेनी दोनों बच्चों कहती है मुझे काम के लिए जाना है तो तुम दोनों घर पे रहना। उसके जाते ही याव याव फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है डैडी भी मम्मी को वहां मिलेंगे, तो मैं जाके मम्मी की हेल्प करूंगा डैडी को चेस करने में। इधर हम देखते हैं मिस्टर मिंग अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, तो हैन आके उसे चिपटने लगती है और खुश हो रही थी कि हम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है, बट मिस्टर मिंग हर बार की तरह उसे इग्नोर करता है। गर्ल्स कहती हैं सुना है ग्रैमी विनर भी आने वाली है, पर वो आई नहीं, क्या पता वो बहुत अगली हो, हैन का मुकाबला कहाँ कर लेगी। तभी जेनी वहां पे आ जाती है तो गर्ल्स एकदम हैरान ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। जेनी कहती है हैन तो टेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकती है ना, तो तूने पिछले 7 सालों से कोई सॉन्ग रिलीज क्यों नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं है तू गाना सकती हो। हैन सोचती इसी का से पता कि मैं गाना नहीं गा सकती। गर्ल्स कहती हैं 7 साल पहले हैन के वोकल कोर्ड्स खराब हो गए थे तभी तो वो गा नहीं पा रही, तू कौन है उसे सुनाने वाली। तभी डायरेक्टर का कहता है मिस जेनी आप, तो वो सब हैरान ये है ग्रैमी क्वीन। और फिर डायरेक्टर शूटिंग करने कहता है, पर मिस्टर मिंग हैन को इग्नोर करके रोज जेनी को देने लगा था। उसका असिस्टेंट कहता है बॉस आप ये क्या कर रहे हो स्क्रिप्ट में ये तो नहीं लिखा। हैन सोचती है फेमस एक्टर की वाइफ तो मैं ही बनूंगी और रोज लेने वाली होती है। तभी वहां पर याव याव आ जाता है डैडी मैं आपको इस बुरी लड़की को चूज नहीं करने दूंगा, तो मिस्टर मिंग जेनी को कहता है मुझे नहीं पता था तुम मुझे ब्लैकमेल करने के लिए अपने बेटे का यूज करोगी। वो कहती है तुम बस कंट्री के मूवी स्टार हो और मैं वर्ल्ड फेमस। हैन कुछ बोलने वाली थी तो याव याव कहता है 7 साल पहले तुम्हें मेरी मॉम की आइडेंटिटी छुपा के डैड के साथ रही,
तुम हमारे बीच में आ रही हो, मैं 6 साल का हो गया हूँ, अब तुम्हें मम्मी को बुली नहीं करने दूंगा। हैन सोचती है इसे 7 साल पहले का कैसे पता, कहीं मिस्टर मीन को पता न चल जाए मैं झूठ बोला था। और कहती है बच्चे तेरी मॉम ने तुझे पैसे दिए हैं ना झूठ बोलने के, तो मैं भी तुझे लॉलीपॉप देती हूँ। याव्या कहता है तुम्हें कि मैं 3 साल का बच्चा दिखता हूँ जो लॉलीपॉप से पट जाऊंगा, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है, ये रहा डीएनए टेस्ट। मिस्टर मिंग जैसे डीएनए टेस्ट देखने वाला होता है, हैन छीन के फाड़ देती है और याव्या को गिरा देती है कि ये यहाँ पे झूठी रूमर्स फैला रहा है। पर जैन उसके थपड़े पे थपड़ा बचा देती है, तेरी हिम्मत कैसे मेरे बेटे को हाथ लगाने की। जैसी हैन मारने वाली होती है उसका हाथ पकड़ लेती है, अभी तो मैंने बदला लेना स्टार्ट भी नहीं किया है। हैन कहती है मिस्टर मिंग मुझे बचाओ, तो जैनिस सबको हैन के फोटोज दिखा देती है किसी और के साथ। मिस्टर मिंग हाथ छुड़ा कहता है मुझे तो पहले से पता था तू धोखेबाज है। याव्या मिस्टर मिंग को डैडी बोल रहा था, सब लोग हैरान थे। मिस्टर मिंग कहता है मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, बट याव्या मिस्टर मिंग को अपने पास बुलाकर उसकी पैंट उतार देता है। यहाँ पे तुम्हारे बर्थमार्क है ना, तो ऐसा बर्थमार्क बिल्कुल मेरे भी है, इसलिए हम दोनों बाप बेटे हुए। हैन सोचती है इसके स्टेप मॉम बनने में कोई खराबी नहीं है, और जैसे उसके पास रहने लगी थी पर याव्या जैनी के पास चला जाता है। मम्मी और डैडी फाइनली एक दूसरे से मिल गए। हैन गुस्से में आके जैनी को थप्पड़ मारने वाली थी पर मिस्टर मिंग हाथ पकड़ लेता है। जैनी जैसे वहां से जाने लगती है मिस्टर मिंग उसे रोकने लग गया था, और तभी उसके बैग पे वही वाला बटरफ्लाई वाला बर्थमार्क देख लेता है। सोचता है यानी यही वो 7 साल पहले वाली है, क्या ये मेरा बेटा है, और कहता है मुझे डीएनए टेस्ट चाहिए। हैन डरने लगी थी, जैनी कहती तुम पागल हो गए हो, ये मेरा बेटा है तो मैं तुम्हारे साथ डीएनए टेस्ट क्यों कराऊं। पर याव्या मिस्टर मिंग को अपनी हेयर से देता है तो वो गुस्से से उसका कान खींच के और मुंह बंद करके ले जाती है। मिस्टर मिंग जाने लगा था, हैन रोकती है तुम्हें तो मेरे साथ एंगेजमेंट करनी है। वो कहता है जो मेरी मजबूरी थी पर अब मैं बिल्कुल नहीं करने वाला, और अपने असिस्टेंट को डीएनए टेस्ट कराने को बोल देता है। पर हैन डॉक्टर को फोन कर देती है फेक रिपोर्ट बनाने के लिए, और खुश हो रही थी कि मैं ही जीतूंगी। पर मिस्टर मिंग रिपोर्ट देख के कहता है यानी तुम वो 7 साल पहले वाली नहीं हो, तो वो हैरान। असिस्टेंट कहता है बॉस आपका डिलीवरी बॉक्स आ गया। वो कहता है पर मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। तभी उस बॉक्स में से याव्या निकलता है, डैडी, और हैन से कहता है तुम्हें क्या लगा फेक रिपोर्ट बनाकर तुम डैडी को बुद्धू बना दोगी। तभी बॉडीगार्ड डॉक्टर को पकड़ के लाता है, जो डर के मारे बता देता है कि इस हैन ने मुझे फेक रिपोर्ट बनाने को कहा था। मिस्टर मिंग कहता है तुमने इतने सालों से मुझे झूठ बोला। हैन सोचती है ये कैसे हो सकता है, वो जिया तो कब की मर गई है, और वो इतनी अगली है कि कभी किसी को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएगी। और कहती है मिस्टर मिंग मैं तुम्हें बहुत लव करती हूँ। वो कहता है पर मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और याव्या को गोद में उठा के लेके जाने लगा था। असिस्टेंट पूछता बॉस कहाँ जा रहे हो, तो कहता है उससे शादी करने। जैनी याव्या के साथ जा रही होती है तभी वहाँ बहुत सारी कार्स आके उसे घेर लेती हैं, जिसमें से मिस्टर मिंग और उसके बॉडीगार्ड्स निकलते हैं। तो मिस्टर मिंग बताता है कि याव्या हमारा बेटा है। जैनी एकदम हैरान, तुम 7 साल पहले वाले थे। मिस्टर मिंग उससे चांस मांगता है तो कहती है उसे अब बस एक्सीडेंट समझ लो, और भला तुम्हारे जैसा मूवी स्टार मुझसे शादी क्यों करेगा। मिस्टर मिंग कहता है तुम्हारी आइडेंटिटी तो मुझसे भी ज्यादा फेमस है, वर्ल्ड फेमस सिंगर। वो जाने लगी थी तो कहता है फिर याव्या का क्या होगा। जैनी देखती है याव्या गायब, इनफैक्ट याव्या तो पहले ही मिस्टर मिंग की कार में जाके बैठ गया था। वो उसे वापस बुलाती है तो कहता है मम्मी प्लीज मुझे डैडी के पास रहना है। मिस्टर मिंग कहता है तो जल्दी कार में बैठो। वो कहती है तुम चाहते क्या हो, तो कहता है तुम्हें अपना सरनेम देना। जैनी कहती है मुझे सोचने का टाइम चाहिए। वो कहता है 1 मंथ, अगर तुम्हें तब भी मुझसे प्यार नहीं हुआ तो तुम जो मर्जी कर लेना। वो कहती है पर अगर मैं मना कर दूं तो कहता है तुम बच्चे के लिए हाँ कर दोगी। वो कहती है तुम धमकी दे रहे हो, तो कहता है आखिर बच्चों को हेल्दी फैमिली चाहिए, तुम नहीं चाहती ना लोग याव्या का मजाक बनाए कि उसके डैडी नहीं है, इसलिए हम 1 मंथ का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैनी कहती ओके, पर अगर 1 मंथ बाद तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे देनी होगी। मिस्टर मिंग कहता ओके, पर मैं कन्फर्म हूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाना है। वो कहती है इम्पॉसिबल। फिर मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए वो दोनों फोटोज खिंचवा रहे थे, उसके क्लोज हो रहा था बट वो दूर कर देती है, और वो मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। याव्या उसे हक लेता है अब मेरे भी डैडी हैं। मिस्टर मिंग कहता है अब हमने शादी कर ली है तो तुम जल्दी से मेरे घर में मूव ऑन हो जाओ। जैनी कहती जरूरत नहीं, और याव्या को लेके जाने लगी थी पर वो वापस आकर मिस्टर मिंग को हक लेता है, मम्मी आज मुझे डैडी के साथ रुकना है। वो घूरती है तो कहता है मम्मी प्लीज मुझे अपने डैडी के साथ सोना है। वो सोचती है मैं ऐसे याव्या का दिल नहीं तोड़ सकती, आखिर वो भी अपने डैडी को मिस करता होगा, और हाँ कर देती है तो याव्या बहुत खुश होता है और सोचता है मम्मी मेरे प्लान में फंस गई है, अब देखना मैं कैसे इन दोनों को क्लोज लाता हूँ। फिर जैनी कहती है याव्या कभी भी मुझसे दूर नहीं रहा, कहीं वो मुझे मिस ना कर रहा हो, और मिस्टर मिंग बहुत रिच है और रिच फैमिली में बहुत अजीब बिहेव करते हैं। रूरू पूछती है क्या मतलब मम्मी, तो कहती है रिच फैमिली में बहुत एटिक्स के साथ रहना पड़ता है। पर इधर हम देखते हैं मिस्टर मिंग ने याव्या के लिए स्पेशल शेफ बुलवाया है, रिच लोग बच्चों को खेलने भी नहीं देते, बस बुक्स पढ़वाते हैं और पियानो बिछवाते हैं।
पर हम इधर देखते हैं मिस्टर मिंग यो-यो के लिए बहुत सारे खिलौने लेके आया है और कहता है पता नहीं मुझे ये कम क्यों लग रहे हैं। ऐसा करता हूँ तुम्हारा एक पूरा रूम ही टॉय से भरवा देता हूँ या फिर पूरा विला ही टॉय से भरवा दूँ। जैनी कहती है पता नहीं मिस्टर मिंग ने याओयाओ के लिए नाइट सूट लिया भी होगा। नहीं, रात में ठंड होती है और याओयाओ हमेशा अपना ब्लैंकेट उघाड़ लेता है। और इधर हम देखते हैं मिस्टर मिंग ने स्पेशल उसके लिए नाइट सूट मंगवाए हैं कि इसमें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी, बिना ब्लैंकेट के भी सो सकते हो। तो वो उसे किस कर देता है। जैनी कहती है वो मुझसे कभी दूर नहीं रहा, वो जरूर मेरे बिना सैड हो रहा होगा। पर उरु अपनी वॉच में देखती है कि याओयाओ मिस्टर मिंग के साथ बहुत खुश है और कहती है मम्मी आप ओवर थिंक कर रही हो। जैनी कहती बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत सैड होगा, मैं उसे भी पिकअप करके लाती हूँ। और जैसे वो जाने लगी थी एक गाड़ी से ठोकने वाली होती है तभी रुरु आकर अपने एक फिंगर से गाड़ी रोक देती है। गुंडे भी एकदम हैरान थे कि ये क्या हो गया। रुरु कहती है बाय बाय गुंडो और गाड़ी पे किक करके वापस भेज देती है। मम्मी आप ठीक हो, पर गुंडे उस पर अटैक करने आ जाते हैं। इधर जाकर देखता है अरे मम्मी प्रॉब्लम में है, डैडी मम्मी को बचाने चलो। रुरु कहती है गुंडो अच्छा होगा खुद ही पीछे हट जाओ वरना मार मार के कचूमर बना दूंगी। गुंडे उस पर अटैक करने लगे थे बट वो एक एक करके अपनी सुपर पावर से सबको उड़ा डालती है। जैनी कहती रूरू तुम घर जाओ, इतने वहां पर मिस्टर मिंग कार लेके आ जाता है। रूरू कहती डैडी। मिस्टर मिंग देखता है गुंडे भाग रहे हैं तो पूछता है मुझे अभी डैडी कौन बोल रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं तुम हमारे किसी दूसरे बच्चे को मुझसे छुपा रही हो। वो कहती बिल्कुल भी नहीं, तुम इतने भी स्ट्रांग नहीं हो कि मुझे एक बार में दो बच्चों से प्रेगनेंट कर दोगे। रूरू झाके देख रही होती है तो उसे इशारा कर देती है वापस जाने का। वो सोचती है याओयाओ तो पकड़ा गया पर मैं इसे रूरू के बारे में पता लगने दूंगी। याओयाओ कहते लगता है मम्मी रूरू को डैडी से छुपा रही है, बेचारे डैडी को मम्मी के इशारों पर नाचना पड़ेगा। मिस्टर मिंग कहता है यहाँ पे सेफ नहीं है और उसे पकड़ के ले जाता है। इधर हैन गुंडों पे गुस्सा कर रही होती है क्या बकवास कर रहे हो, एक छोटी सी बच्ची ने तुम सबको हरा दिया। मिस्टर मिंग जैनी को घर ले आया था और कहता है नाइट सूट रेडी है तुम नहाकर पहन लो। वो कहती है मैं किसी का यूज किया नहीं पहनती। याओयाओ कहता है मम्मी डैडी ने आपके लिए स्पेशली ऑर्डर किया है, अब तो आप वैसे भी इस घर की यंग लेडी बनने वाली हो। तो मिस्टर मिंग चलते उसके मुंह पे हाथ रख देता है मैं डिनर बनाने जा रहा हूँ। जैनी एकदम हैरान थी इसे खाना बनाना भी आता है, पर मिस्टर मिंग बहुत डर डर के खाना बना रहा होता है, वो भी उसे बखर गया था और मुंह काला कर लेता है। वो दोनों हंसने लगे थे तो वो याओयाओ की आइस पे हाथ रख के उसके क्लोज होने लगता है। मैं अभी के अभी खाना बना कर लाता हूँ और फिर जाता हुआ खाना ऑर्डर कर देता है। जैनी खाने लगती है ये सच में तुमने बनाया है, कहीं मूवी स्टार पार्ट टाइम शेफ तो नहीं है। वो कहता है मैं शेफ से कम भी नहीं हूँ। याओयाओ कहता है मम्मी अब डैडी को आप इनाम कैसे दोगी। तो वो चॉपस्टिक आगे करती है, मिस्टर मिंग जैसे खाने वाला होता है पीछे कर लेती है खुद खा लो। फिर वो जैसे रूम में आती है तभी शॉवर लेके मिस्टर मिंग आ जाता है और उसे बेड पे गिरा के उसे किस करने वाला होता है तो आइस बंद कर लेती है। मिस्टर मिंग कहता है क्या हो गया तुम्हें। जैनी समझ जाती है वो सपने ले रही है तो कहती कुछ भी नहीं, जाने लगी थी पर उसे टकरा के दोनों बेड पे गिर जाते हैं। याओयाओ गेट खोल के उन्हें देख लेता है तो रुरु को फोन कर कहता है लगता है हमें सिबलिंग मिलने वाला है। नेक्स्ट डे मिस्टर मिंग और जैनी याओयाओ को अम्यूजमेंट पार्क लेके जाते हैं और वो लोग बहुत मजे कर रहे थे। याओयाओ कहता है डैडी आपको पता है मॉमी टॉय पिक करने में बहुत माहिर है। तो जैनी क्लॉ मशीन से टॉय पिक करके दिखाती है। मिस्टर मिंग भी एकदम हैरान था कि ये हर बार जीत रही है। याओयाओ कहता है डैडी आप भी ट्राई करो, पर मिस्टर मिंग बहुत बार ट्राई करता है उसे एक बार भी नहीं हो रहा था कि उन दोनों को हंसी आ जाती है। याओयाओ कहता है डैडी अगर नहीं हो रहा तो मम्मी से हार मान लो। मिस्टर मिंग कहता है मैं तो बस वार्म अप कर रहा था, अभी खेलना स्टार्ट ही कहाँ किया है, मैं अभी आया। और बाहर जाके कॉल करता है इस अम्यूजमेंट पार्क की क्लॉ मशीन को खरीद लो फिर चाहे है कि क्यों ना करना पड़े। फिर वो आकर एक एक करके सारे टॉयज पिकअप करने लगा था कि जैनी भी हैरान थी। रू सोचती है मैं भी डैडी से मिलने का प्लान बनाती हूँ। मिस्टर मिंग जैसे ही हैंड वॉश करने लगा था रूरू भी वहीं आकर बिल्कुल वैसा वैसा कर रही होती है। मिस्टर मिंग कहता है बच्ची तुम मेरी कॉपी कर रही हो। रूरू कहती है तुम मेरी कॉपी कर रहे हो। तो सोचती है स्टुपिड डैडी पहचान भी नहीं पा रहे मैं और भाई सेम दिखते हैं। वो जाने लगा था तो कहती है स्टुपिड डैडी। मिस्टर मिंग एकदम हैरान उसे देखने लगा था, ये काफी हद तक याओयाओ जैसी दिखती है और पूछता है तुम मुझे डैडी को बोल रही हो। पर तभी उसे उसके मॉम का कॉल आ जाता है। मॉम उसे डांटती है तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, मुझे तेरी शादी का न्यूज से पता चल रहा है। वो कहता है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं उसे मिलवा दूंगा। मॉम कहती नहीं मैं खुद ही उससे मिलने आ रही हूँ। बट वो देखता है वो बच्ची गायब। मॉम गुस्से जा रही होती है नालायक ने मुझे अपनी शादी का भी नहीं बताया। तभी कार आके उन्हें ठोकने वाली होती है पर उरु आके एक हादसे कार रोक देती है और पूछती है ग्रैंडमा आप ठीक हो। बट वो कार वाला के सुनाने लगता है बुढ़िया तुझे दिखता नहीं है क्या, और इस बच्ची ने मेरी कार खराब कर दी है, तुम लोगों को काद भी नहीं है कम्पनसेट करने की। रूरू कहती है पहली बात तो तुम गलत डायरेक्शन में बहुत स्पीड से कार चला रहे थे, ग्रैंडमा को चोट लग जाती तो चलो जल्दी माफी मांगो। वो नहीं सुनता तो उसे ठोक डालती है और उसके ऊपर पैर रख लेती है तो डर के मारे माफी मांग के भाग जाता है। मॉम उसको थैंक यू करती है तो कहती है आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। मॉम सोचती है ये बच्ची बिल्कुल मेरे बेटे मिंग जैसे दिखती है, काश मेरी ग्रैंड डॉटर होती। मिस्टर मिंग की शूटिंग हो रही थी तभी उसे पता चलता है उसकी मॉम हॉस्पिटल में है तो भागता है।
इधर जैनी को पता चलता है कि रूरू हॉस्पिटल में है तो वो भी भागती है। मिस्टर मिंगा अगर पूछता है मॉम आप ठीक हो, तो कहती है हाँ इस बच्ची ने मेरी जान बचाई है। इतने में जैनी वहां जाती है, रूरू कहती है मॉमी, तो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मिंग कहता है तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। मॉम और जाओ जाओ रूरू उन्हें झाके देख रहे होते हैं। जैनी कहती है मैंने प्रेग्नेंट होकर बच्चों को जन्म दिया, तुम्हें इससे क्या। वो कहता है मैं बच्चों का बाप हूँ। तो कहती है अच्छा जब मेरी डिलीवरी हो रही थी तब तुम कहाँ थे, जब मैं उन्हें पाल रही थी तब तुम कहाँ थे। और जाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ कहता है क्या तुम्हें मुझ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। वो सोचती है इसे दोनों बच्चों के बारे में पता चल गया, कहीं मुझसे कस्टडी न लेने लग जाए। और जाने लगी थी बट वो उसे पकड़ के अपने ऊपर गिरा लेता है। तो जैनी का एक्सीडेंटली उसे किस हो जाता है। तो फिर एकदम से दूरों कहती है सॉरी एक्सीडेंट था। मिस्टर मिंग कहता है तुम मुझे छोड़ क्यों जा रही हो। तो कहती है डाइवोर्स कर लेते हैं। याओ और रूरू कहते हैं हमें उन दोनों को एक साथ करने का कोई प्लान बनाना होगा, क्यों ना मॉमी को फेक किडनैप करवा लेते हैं और डैडी चाहकर मॉमी की जान बचाएंगे तो मॉमी को उनसे प्यार हो जाएगा। मॉम कहते नहीं इससे तो उसे पता चल जाएगा, मेरे पास एक और तरीका है, अगर चेक करना हो कि किसी को किसी के लिए फीलिंग्स हैं तो हम पता कर सकते हैं क्या वो दूसरे के लिए जेलस भी हो रहा है। वो दोनों कहते हैं लव कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, बच्चों की समझ से बाहर है। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, मिस्टर मिंग और जैनी आते हैं तो बच्चे उन दोनों को गुड मॉर्निंग करते हैं। वो दोनों एक साथ गुड मॉर्निंग बोलते हैं और बिल्कुल सेम हरकतें कर रहे थे। रूरू कहती है मॉमी डैडी में कितनी बनती है, कितने अच्छे कपल हैं। जैनी कहती है मैं एक सिंगर फेमस एक्टर का मुकाबला कहाँ कर सकती हूँ। मिस्टर मिंग कहते सही कहा तुम तो मुझसे भी ज्यादा फेमस सिंगर हो। मॉम हंस रही होती है और कहती है अगर तुम दोनों एक दूसरे को इतनी नफरत करते हो तो डाइवोर्स कर लो। मिस्टर मिंग कहता मॉम, तो कहती है नालायक तू जैनी के लायक नहीं है, और उसे उठा के खुद उसकी चेयर पे बैठ जाती है। जैनी चिंता मत करो मैं तुम्हें इससे अच्छे और इससे बेटर लड़के से मिलवाऊंगी। जैनी कहती है मॉम इसकी जरूरत नहीं है। मॉम कहती क्यों नहीं है, तुम मेरी डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती, कोई बात नहीं तो मैं तुम्हें अपनी बेटी बना लूंगी। और अपने फोन में फोटो दिखाने लगती है, ये वाला लड़का देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना टॉल और हैंडसम हो पाया है। पर मिस्टर मिंग जो जेलस हो रहा था झांके देख रहा होता है। फिर मॉम के कहने पे जैनी ब्लाइंड डेट पे जाती है। वो लड़का कहता है मैं तुम्हारे सॉन्ग्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो कहती है थैंक यू बट सॉरी। वो कहता कोई बात नहीं हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, और ये टॉय मैं क्लॉ मशीन से तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो जैनी उस टॉय को देखने लगती है, उससे एक भी टॉय नहीं निकल रहा था, तो फिर उसने पूरी क्लॉ मशीन ही खरीद ली और हैक करा के सारे टॉयज निकाल के मुझे दे दिए, कितना स्टूपिड है। वो लड़का पूछता है तो तुम उसे लाइक करती हो। जैनी कहती है शायद मैं उसे लाइक करती हूँ पर हमारे बीच में इम्पॉसिबल है। मिस्टर मिंग दूर से उन पे नजर रख रहा होता है कि उसने जैनी का हाथ पकड़ा। तो याजवा कहता है डैडी मैं और सिस्टर आपकी उस बुरे अंकल को सबक सिखाने में हेल्प कर सकते हैं। मिस्टर मिंग कहता है बिल्कुल नहीं मैं इसे खुद ही हैंडल कर लूंगा। और उसके जाते ही याजवा कहता है ग्रैंडमा आपका प्लान तो सच में काम कर रहा है। जैनी कहती है सॉरी मुझे जाना होगा। तभी एक मास्क वाला आता है, मिस आपको कुछ चाहिए। जैनी मास्क वाला कहती है मिस्टर मिंग तुम ही आगे कर रहे हो। वो कहता है मेरी वाइफ डाइवोर्स कर रही है, क्या पता मुझे कब घर से बाहर फेंक दे, तो सड़क पे सोने के बजाय मैंने जॉब ढूंढ ली। वो लड़का पूछने वाला था ये कौन है। मिस्टर मिंग कहता है मेरी वाइफ। वो उसे घूरती है, वो पूछता है तुम शादीशुदा हो। मिस्टर मिंग उसे क्लोज कर कहता है सिर्फ शादीशुदा ही नहीं हमारे दो बच्चे भी हैं, तेरा कोई चांस नहीं है। बट वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो वो दोनों हैरान थे। वो कहता है मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, गाड़ी है बंगला है, तो मुझे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें बदले में अपनी पूरी कंपनी दे सकता हूँ, तो क्या मुझे चांस दोगी। पर मिस्टर उसका हाथ खींच के कहता है तू मरना चाहता है क्या, ये बिल्कुल हानि करने वाली। वो कहता है अच्छा फिर ये ब्लाइंडेड पे क्यों आई थी। मिस्टर मिंग गुस्से उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो कहता है क्यों मुझे मारेगा, तो मैं भी मार सकता हूँ। जैनी से दूर कर कहती है मिस्टर मिंग तुम ये क्या कर रहे हो। वो मिस्टर मिंग को चिढ़ा रहा था, तो कहता है ये देखो क्या कर रहा है। पर जैनी से देख के कहती है ये तो बेचारा कितना काइंड और जेंटलमैन है, तुम इसे फंसा रहे हो, तुम नहीं जाओगे ना, तो क्या हम दोनों को साथ देखना चाहते हो। तो मिस्टर मिंग बहुत गुस्सा होकर चला जाता है। फिर वो जैनी को छोड़ने आता है, पर जब देखता है मिस्टर मिंग उन्हें ऊपर से देख रहा है तो जानबूझ के जैनी के क्लोज होने लगता है ताकि मिस्टर मिंग को लगे कि वो उसे किस कर रहा है। और फिर जैनी के जाने के बाद फोन करके आता है आंटी आपने जैसा बोला था मैंने बिल्कुल वैसी एक्टिंग की है। इनफैक्ट वो तो उसके क्लोज हुआ था ये बताने के लिए तुम्हारे बालों में पत्ता फंस गया है। मिस्टर मिंग कहता है तुम इतनी लेट क्यों आई हो। वो कहती है कभी कभी कुछ लोग इंटरेस्टिंग मिल जाते हैं ना इसलिए लेट हो गई। वो कहता है क्या वो इतना अच्छा है। तो कहती है मेरे काम से तुम्हें क्या, क्यों तुम जेलस हो रहे हो। मिस्टर मिंग कहता हाँ और उसे पकड़ के टेबल पे गिरा लेता है और फिर उसे जबरदस्ती किस करने लगा था। वो एकदम हैरान थी और उसको थप्पड़ मार देती है तुम पागल हो गए हो क्या। मिस्टर मिंग कहता है हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं नहीं देख सकता तुम किसी और लड़के के साथ हंस के बातें कर रही हो, मैं नहीं देख सकता तुम्हारा उसके साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट हो, क्या तुम मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही हो, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। वो कहती है कितनी बार बोला हमारे बीच इम्पॉसिबल है,
और जाने लगती है तो वो सैड होता है। तो सोचती है मैं बस अपने बच्चों के साथ सिंपल लाइफ चाहती हूँ, फालतू में तुम्हारे जैसे के साथ पंगा नहीं लेना चाहती। नेक्स्ट डे वो दोनों शूटिंग के लिए रेडी हो रहे थे, बट वो उसे इग्नोर कर रही होती है। हैनागर कहती है मिस्टर मिंग मैं तुम्हारे लिए लंच बॉक्स बनाकर लाई हूँ। मिस्टर मिंग सोचता है जैसे मैं इससे जेलस होता हूँ क्या ये भी मुझसे जेलस होगी, और जानबूझ के हैन का लंच बॉक्स ले लेता है। ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है, काश मेरे लिए कोई और ऐसा बनाता। जेनी कहती है अगर इतना पसंद आया तो खाओ फिर, और उठ के चली जाती है। तो सोचता है क्या इसे बिल्कुल भी मेरी परवाह नहीं है, और हैन को लंच बॉक्स वापस कर देता है। वो जैसे घर आता है जेनी कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दो। वो कहता है क्या तुम सच में मुझे डाइवोर्स देना चाहती हो? ओके तो, पर साइन करने के बजाय उसे अकड़ लेता है, प्लीज ऐसा मत करो। पहले तो वो भी उसे अकड़ने वाली थी पर फिर कहती है दूर हटो। तो मिस्टर मैंग उसे तोहफा गिरा लेता है कुछ भी मत बोलना, और उसके लिप्स पे फिंगर रख के उसे किस करने वाला होता है, बट वो उसे धक्का मार देती है। और जाने लगी थी तो कहता है क्या तुम इतनी क्रूअल हो, पर वो चली जाती है। गर्ल्स कहती हैं हमने नोटिस किया है सुबह से मिस्टर मिंग और जैनी आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं, लगता है उनका ब्रेकअप हो गया, यानी है तुम्हें चांस मिल जाएगा। जैनी जैसे वहां पे आती है वो लड़की जानबूझ के उसको पर्स गिरा देती है और कहती है सॉरी गलती से हो गया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जैनी कहती है ऑफ कोर्स है, और उसके थप्पड़ मार देती है। अब नहीं है, पर दूसरी लड़की उसकी चेयर खींचने लगी थी, है ना, कि उसे सुनाने लगती है। जैनी उसके थप्पड़े पे थप्पड़ बजाने लगती है और उसे हटाकर जाकर सोफे पे बैठ जाती है। एक लड़की कॉफी में थूक के उसके पास लाती है, पहले के लिए सॉरी अब कॉफी पी लो। तभी दूसरे लोग आ जाते हैं, हाँ तुम मना कैसे कर सकती हो, क्योंकि अगर किसी ने ऑनलाइन ये पोस्ट देख ली तो कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा। जैनी सोचती है ये हैन अभी तक सुधरी नहीं, वही अपनी पुरानी ट्रिक्स, और कहती है अगर मैं ना पीऊँ तो वो लड़की उसका फेस पकड़ लेती है। हैन कहती है तेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। तो जैनी उस लड़की के फेस पे कॉफी फेंक देती है, अगर मैंने नहीं पी तो तू क्या कर लेगी? हैन गुस्से में थी तो कहती है मुझे मारेगी? अरे मैं तो अपने फोन का कैमरा बंद करना भूल ही गई, अगर एक्ट्रेस हैन की किसी को मारने की वीडियो वायरल हो गई तो तू तो हॉट सर्च पे आ जाएगी। हैन कहती है मैंने सुना है जब फॉरन में तू सिंगिंग करती थी तूने अपना फेस रिवेल नहीं किया था, तो कौन प्रूफ करेगा कि जो सिंगिंग करती थी वो तेरा ही फेस था? क्या पता तू लिप सिंग करती हो, तू बस सो कॉल्ड ग्रैमी क्वीन हो और किसी और को गवा के लिप सिंग करती हो। तो फोटोज दिखाती है, तूने सिंगिंग करते हुए मास्क पहन रखा था। जैनी कहती तुझे क्या लगता है सब तेरे जितने घटिया हैं, और रही बात लिप सिंग की वो तुझसे बैठ रहा तो कोई और नहीं जानता। हैन डरने लगी थी इसी कैसे पता। जैनी कहती तू अचानक से एक्ट्रेस क्यों बन गई, और 7 साल पहले एक सिंगर अचानक से सिंगिंग क्यों छोड़ देगी, कहीं ऐसा तो नहीं वो अब गाना ना गा पाती हो? दूसरा लड़का कहता है 7 साल पहले हैन के वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो गए थे तो उस पर आरोप लगाना बंद करो। हैन कहती हाँ यही सच है। जैनी कहती है 7 साल हो गए तेरे अभी तक वोकल कॉर्ड्स ठीक ही नहीं हुए, अब तू मुझ पे शक कर रही है कि मैं लिप सिंक करती हूँ, तो क्यों ना हम एक गेम करें, मैं देखना चाहती हूँ आखिर चीटिंग कर कौन रहा है। गर्ल्स कहती हैं हाँ हैन तुम्हें सिंगिंग करनी चाहिए, तुमने इतने टाइम से गाना नहीं गाया। जैनी कहती क्या हुआ, कॉम्पिटिशन करने से डर लगता है? हैन सोचती है इसकी आईज इतनी जाने पहचाने को लग रही है, और कहती है तू जैनी नहीं है कौन है तू? जैनी हंस के कहती है बात बदलने की कोशिश मत कर, कहीं ऐसा तो नहीं तुझे मुझसे कॉम्पिटिशन में हारने से डर लगता हो? हैन कहती तुझसे कौन डरता है। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। हैन कहती है तू मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत आगे की प्लानिंग करके रखती हूँ। एक लड़की कॉफी में कुछ मेडिसिन मिला देती है, और फिर जैनी से आकर कहती है अब स्टेज पे जाने की तुम्हारी बारी है तो तुम जाने से पहले कॉफी पी लो। जैनी जैसे वो कॉफी पीने वाली होती है वो लड़की डर रही थी और कहती है मत पियो। हैन की सिंगिंग के बाद जैनी का नंबर आने वाला था, सब लोग उसका वेट कर रहे होते हैं पर वो अभी तक नहीं आई थी। हैन मैसेज देख कहती है मेरा प्लान काम कर गया, और एक लड़की को इशारा करती है तो वो लड़की कहती है जरूर वो जैनी डर गई होगी, और क्या पता पहले लिप सिंक करती हो इसलिए अब सबके सामने गाने से डर रही है क्योंकि वो एक्सपोज हो जाएगी। तो सब लोग गुस्से जाने लगे थे, पर तभी जैनी की एंट्री होती है जो सिंगिंग करती हुई आ रही थी। वो इतना अच्छा गाना गा रही होती है कि सब लोग उसके फैन हो जाते हैं। जैनी कहती है सॉरी मैं किसी वजह से लेट हो गई थी इसलिए मैं एक और गाना सुनाना चाहती हूँ। लोग बातें बनाने लगते हैं ये तो हैन से कई गुना बेटर सिंगिंग करती है, और मिस जैनी की आवाज ऐसी नहीं लग रही जैसे 7 साल पहले हैन सिंगिंग करती थी। उसे गाना गाते देख हैन सोचती है इसकी तो कॉफी में कुछ मिला दिया था ये गा कैसे पा रही है। तभी याजू आकर उसे डरा देता है, तो हैन उसे गुस्से से फिंगर दिखाने वाली होती है, तभी रूरू उसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है। हैन कहती है ये शैतान बच्चे कहाँ से आ गए। याजू कहता है मैंने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है आज तुम्हारा बैड लक होने वाला है। सब लोग जैनी के गाने की तारीफ कर रहे थे। याजू कहता है वाओ मेरी मम्मी कितना ब्यूटीफुल गाती है, ना कि उन लोगों की जैसे जो गाते हुए कौए लगते हैं। हैन गुस्से से मारने वाली होती है पर रूरू उसे अपना गुस्सा दिखा देती है तो वो भी डर जाती है। 7 साल पहले जो जिया बैक स्टेज सिंगिंग करती थी
आज वो सबके सामने गाना गा रही है और जजेस भी उसे फुल मार्क्स देते हैं। लोग कहते हैं इसके तो हैन से ज्यादा मार्क्स हैं, यानी जीत गई। होस्ट बताता है कि सिंगिंग कॉम्पिटिशन की चैंपियन है मिस चैनी। हैन कहती है मुझे इससे प्रॉब्लम है, जो सॉन्ग इसने गाया है वो इसके ओरिजिनल सॉन्ग नहीं है। और चैनी तुम उससे कॉम्पिटिशन करना चाहती है, कम से कम अपना ओरिजिनल सॉन्ग तो लेके आ। याव्या कहता है ये बुरी लड़की अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। रूरू कहती है तो मैं इसे गुस्सा मार के सबक सिखाऊं। याव्या कहता है सिस्टर तो भूल गई मम्मी ने क्या कहा था, वो इस मैटर को खुद हैंडल करना चाहती हैं। रूरू कहती है ओके इसकी एक बार जान बख्श देती हूँ। हैन कहती क्या हुआ डर गई, हार मान ले। ये सब वीडियो मिस्टर मिंग सीसीटीवी से देख रहा होता है और कहता है मुझे जैनी पे बुरा भरोसा है। जैनी कहती है मेरे पास ओरिजिनल सॉन्ग है पर मुझे लगता है तू उसे सुन के डर जाएगी। फिर जैसे जैनी एक सॉन्ग गाने लगती है हैन के तो एकदम होश उड़ जाते हैं। पास में हम देखते हैं हैन जिया पे चिल्ला के पड़ रही थी, तूने इतना घटिया सॉन्ग लिखा है। जिया कहती है मैंने ये बहुत अच्छे से सोच समझ के लिखा है। तो हैन के इशारे पे एक लड़की उसकी निडर छुपाने लगी थी। हैन कहती है अगर तूने सही से काम नहीं किया तो तुझे सैलरी नहीं मिलेगी। वो सोचती है अगर सैलरी नहीं मिली तो मैं रेंट पे कैसे करूंगी। और कहती है मैं गाकर सुनाती हूँ। और फिर वो वही वाला उसे गाना गाकर सुना रही थी। इसलिए हैन शॉक में थी कि जिया वाला गाना जैनी कैसे गा रही है। जैनी के सॉन्ग की वजह से लोग उसके फैन बन रहे होते हैं। और फिर कहते हैं वॉइस में तो हैन इसका कंपैरिजन भी नहीं कर सकती, ये गाना तो जाना बचाना लग रहा है। और हाँ याद आया 7 साल पहले हैन ने ये सॉन्ग गाया था, और तो और आवाज भी सेम सी लग रही है। और जैनी की आवाज इतनी ओरिजिनल क्यों लग रही है, नहीं ऐसा तो नहीं हैन ने लिपसिंग किया हो। तो हैन चिल्लाकर पड़ती है ये मेरा सॉन्ग है। हैन कहती है ओरिजिनल सॉन्ग की बात हुई थी, ये सॉन्ग तो मैं 7 साल पहले गा चुकी हूँ। हाँ ये कौन सा जैनी का ओरिजिनल सॉन्ग है। हैन सोचती है मैंने तो पहले ही कहा था जीतूंगी तो मैं ही, ये सॉन्ग तो उस जिया ने गाया था और वो 7 साल पहले मर चुकी है, तो अब इसके पास मुझे गलत साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं होगा। जैनी कहती क्या तू सच में भूल गई कि मैं कौन हूँ। पर हैन बकवास की जा रही थी तो रूरू कहती है भाई अब मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा है, मन कर रहा है इस बुरी लड़की को अभी उठा के पटक दूं। जाव्या कहता है सिस्टर कंट्रोल कर। तभी जैनी सबको वीडियो दिखाती है, उस वीडियो में जिया को कुछ लड़कियों ने पकड़ रखा था और हैन जबरदस्ती से ड्रिंक करा रही थी, तो सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। और वहाँ पे पेपर्स गिरने लगे थे जिसपे हैन की सच्चाई लिखी होती है, तो सब बोलने लगते कि हैन ने उसे बुली किया। हैन कहती है ये सब झूठ है, तू मुझे फंसा रही है, अगर ये सब सच है तो वो लड़की कहाँ है। जैनी कहती है मैं तुझे कन्फ्रंट कर रही हूँ, 7 साल पहले मैं मरी नहीं थी। जैनी कहती है अब तो याद आ गया ना कि मैं कौन हूँ। हैन के तो होश उड़ जाते हैं, तू जिया है ये कैसे हो सकता है। लोग कहते हैं ये हैन कितनी गिरी हुई है, ये बिहाइंड द सीन लोगों को बुली करती है, इसे तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। और उस पर सामान फेंक के मार रहे थे। जावियो कहता है तुमने इतने बुरे काम किए हैं इसलिए तुम्हें उनकी सजा मिल रही है। रूरू कहती काश मुझे इसे पीटने का एक मौका मिल जाए। हैन कहती है तू तो कब की मर चुकी थी ना। जैनी कहती है अभी तो मैंने अपना रिवेंज भी नहीं लिया तो मैं कैसे मर सकती हूँ। हैन कहती है मैंने तेरी कॉफी में नशा मिलाया था तो तेरा गला खराब क्यों नहीं हुआ, तू सिंगिंग कैसे कर पा रही है। तो जैनी उसी वाली लड़की को बुलाती है। हैन कहती है तूने मेरा प्लान फॉलो नहीं किया था। तो वो लड़की हाथ छुड़ा के उसी के थप्पड़ मार देती है। बहुत हुआ अब से मैं तेरी दूसरों को हार्म करने में हेल्प नहीं करूंगी। लोग कहते हैं ये तो इस हैन की असिस्टेंट है ना, तो इसे क्यों मार रही है। तो वो असिस्टेंट सबको अपनी बॉडी दिखाती है, सब लोग हैरान थे इसके इतने सारे चोटें लगी हुई हैं। असिस्टेंट बताती है कि ये सब चोटें मुझे इस हैन ने दी हैं, ये मुझे हमेशा बुली करती थी, सिर्फ मुझे नहीं इसने बहुत लोगों को बुली किया है, ये तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है, और जो भी लोग इसके अंडर में होते हैं ये उनके साथ बहुत बुरा बिहेव करती है। हैन कहती है जरूर इसे इस जैनी ने पैसे दिए होंगे झूठ बोलने के, मुझे फंसा रही है। तभी वहां पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की दूसरी इम्प्लॉयज और गर्ल्स आ जाती हैं। ये असिस्टेंट सच बोल रही है, ये हैन ने हम सबको भी बुली किया है। असिस्टेंट कहती है ये हैन बस काइंड बनने का नाटक करती है, रियल में बहुत बुरी है। और दूसरी तरफ जैनी दिन रात लगाकर अपने सॉन्ग के लिरिक्स लिखती है, फिर उसकी प्रैक्टिस करती है, पर ये हैन सिर्फ लिप सिंग करना चाहती है, रियल में तो बैक स्टेज सिंगर गाते हैं। और सब लोग चिल्लाने लगते हैं इसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर फेंक दो। हैन कहती है तू मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है, मुझे गाना नहीं आता तो क्या तू मुझे बख्श नहीं सकती। जैनी कहती है तूने कौन सा 7 साल पहले मुझे बख्श दिया था। और फिर सबको बताती है कि 7 साल पहले मेरे फेस पे बर्थमार्क था, इसलिए हैन ने बोला कि मैं बहुत अगली हूँ और मुझे अपनी रिप्लेसमेंट की तरह यूज किया, एक बैक स्टेज सिंगर बना दिया, खुद आगे स्टेज पे लिपसिंग करती थी, दूसरी कंपनी मुझे हायर करना चाहती थी और जिससे मैंने इसके साथ काम करने से मना कर दिया, इसने गुस्से में आके मेरा कार एक्सीडेंट कर दिया, मुझे जान से मारने की कोशिश की। हैन कहती है ये झूठ है। तभी जैनी सबको फोटोज दिखाती है, लोग कहते हैं यकीन नहीं होता ये हैन ऐसी निकलेगी, और उस पर सामान फेंक के मारने लगते हैं। हैन बहुत गुस्से में होती है और चाकू निकाल के जैनी के मारने वाली होती है। अभी रूरू उसे गुस्सा मार के भुड़का देती है तुम मेरी मम्मी को बुली नहीं कर सकती हो। हैन कहती है मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, मेरे पास मनी और पावर है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जैनी कहती तुझे क्या लगता है ये सब ऑडियंस सब डेकोरेशन के लिए है। हैन कहती है ये सब लोग बेवकूफ हैं,
मैं तुम सबको ये सारी बात सीक्रेट रखने के लिए 1 लाख दे सकती हूँ, उससे भी कई गुना ज्यादा पैसे दे सकती हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं है जो पैसे से सॉल्व ना हो सके। जैनी कहती, तुझे क्या लगता है तू इन लोगों का मुंह बंद कर देगी तो क्या पूरी दुनिया का मुंह बंद कर देगी? हैन कहती है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिन भी लोगों को मैंने बुली किया, अगर मैं उन्हें दुनिया से गायब कर दूं तो? मैं चाहूँ तो तुझे भी इस दुनिया से गायब कर सकती हूँ, और तेरे इन दो जंगली बच्चों को भी। दोनों बच्चे जैनी को हक्कड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर मिंग बॉडीगार्ड्स को लेके आ जाता है। रियली? पर मुझे नहीं लगता तेरी बात बनेगी। हैन कहती है, तुम बस एक एक्टर हो, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मिस्टर मिंग कहता है, तू वैंग फैमिली की वजह से इतना उछल रही है ना? हैन हैरान, तुझे कैसे पता? हैन कहती, हाँ, वैंग फैमिली शहर की टॉप 2nd रिचेस्ट में से एक है, सिर्फ झाओ फैमिली से नीचे है। इसलिए अच्छा होगा तू मेरा साथ दे, तो मैं तुझे जाने दूंगी। और चाकू उठा के देती है, मेरे सामने इस जैनी को मार दो। रूरू कहती, डैडी आप इस बुरी लड़की की बातें मत सुनो, मिस जैनी हमारी मम्मी है और आपकी वाइफ। जाजा कहता, बुरे डैडी मैं आपको मेरी मम्मी को हर्ट नहीं करने दूंगा। पर मिस्टर मिंग उसे चाकू ले लेता है और फिर चाकू लेके जैनी क्लोज आने लगता है। जैनी कहती है, तुम मुझे मारना चाहते हो कोई बात नहीं, पर तुम बच्चों को हर्ट नहीं कर सकते, आखिर ये तुम्हारे भी तो बच्चे हैं। बच्चे कहते हैं, मम्मी। पर मिस्टर मिंग चाकू मारने के बजाय नीचे फेंक देता है और जैनी क्लोज हो कहता है कि तुम्हें मुझ में थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है, मेरे दिल में हमेशा तुम फर्स्ट प्रायोरिटी हो, और उसे किस कर देता है। जैनी भी थोड़ा स्माइल करने लगती है। रूरू सोचती है, अच्छा हुआ ये अच्छे डैडी निकले, वरना मैं मार मार के इनका कुछ उम्र बना देती। और कहती है, डैडी मुझे पता था आप बहुत अच्छे डैडी हो, आप उस बुरी लड़की की बातों में नहीं आओगे। याजू सोचता है, ये रूरू कितनी जल्दी पलट गई, इतनी छोटी सी एज में ऐसी हरकतें कर रही है, पर मैं इसका बड़ा भाई हूँ, मुझे अपनी सिस्टर को अच्छे से एडुकेट करना पड़ेगा। हैन कहती, तूने ये चुना है तो मैं भी तुझे दया नहीं दिखाऊंगी। और फोन करती है, हेलो वैंग, कुछ लोग मुझे बुली कर रहे हैं, प्लीज तुम आकर मुझे बचाओ। जाओ कहता, बुरी लड़की इतनी नौटंकी करती, तुझे शर्म नहीं आती? हैन कहती, वैंग को आने दो, तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। मिस्टर मिंग कहता, रियली? तो क्यों ना शर्त लगाएं कि जिस वैंग को तू बुला रही है वो कभी भी तेरा साथ नहीं देगा, और आज तेरा ही बुरा हाल होने वाला है। हैन कहती है, मिस्टर मिंग तूने के बहुत सारे ओवरबीयरिंग सीईओ के रोल्स करे हैं, मैं जानती हूँ कि तू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत माहिर है, पर वैंग फैमिली के सामने तो कुछ नहीं। शर्त लगाते हैं, अगर तू हार गया तो तुझे मेरा नौकर बनना पड़ेगा, और मैं इस जैनी और इसके बच्चों से भी छुटकारा पा लूंगी। जैनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। याओ कहता है, पर अगर तुम शर्त हार गई तो तुम क्या करोगी? रूरू कहती, करना क्या है, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी, और इसने जो भी गलतियां की हैं उसकी सजा मिलेगी, जेल जाएगी है, और मम्मी से माफी मांगेगी। तभी कहना चाहता है, किसने मेरी बेबी को हाथ लगाया, वो जीना नहीं चाहता क्या? हैन कहती है, वैंग अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना ये लोग मुझे मारे डालते। वैंग कहता है, किसने मेरी डार्लिंग को बुली किया? कहती है, इन लोगों ने। वैंग कहता है, कौन है वो? पर जैसे मिस्टर मिंग का फेस देखता है तो हैरान, ब्रदर तुम आप यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर मिंग कहता है, तेरी गर्लफ्रेंड ने मेरी वाइफ को बुली किया है, तो बता कैसे हिसाब किताब करना है। तो वैंग हैन की थप्पड़ मार देता है, तुझमें इतनी हिम्मत आ गई, एल्डेस्ट ब्रदर की वाइफ को बुली करेगी, लगता तो मरना चाहती है। हैन एकदम हैरान थी, सब चल क्या रहा है? तो वैंग बताता है कि मिस्टर मिंग शहर की रिचेस्ट झाओ फैमिली के इकलौते वारिस हैं। हैन एकदम हैरान थी और पैरों में गिर जाती है। मिस्टर मिंग कहता है, मैंने अपने एक्टिंग करियर को बनाने के लिए अपनी झाओ फैमिली वाली आइडेंटिटी सीक्रेट रखी थी, पर कुछ लोगों को लगता है वो मुझे धमकी दे सकते हैं। हैन उसके पैर पकड़ लेती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मिस्टर मिंग कहता है, माफ कर दूं? तुमने जैनी की आइडेंटिटी चुराई, 7 साल तक मुझे धोखा दिया, वो तो मुझे पहले से तुम पे शक था, इसलिए मैंने तुम्हें कभी भाव नहीं दिया था, और उसे दूर कर देता है। तो वैंग से हेल्प मांगती है। वैंग कहता है, एल्डर ब्रदर क्यों ना? मिस्टर मिंग कहता है, अभी झाओ फैमिली और वैंग फैमिली में कॉपरेशन फाइनल नहीं हुआ है। तो वैंग हैन को किक कर देता है, तेरी वजह से मैं अपनी फैमिली बैंकरप्ट नहीं करना चाहता। एल्डर ब्रदर तुम इसे सबक सिखाओ। मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा फोन आ रहा, बहाना मार के भाग जाता है। मिस्टर मिंग कहते हैं, जैनी तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तो तुम ही डिसाइड करोगी इसके साथ क्या करना है। जैनी कहती है, 7 साल पहले तूने अपने लालच के लिए किसी का सिंगिंग का ड्रीम खराब कर दिया था, मुझे नशा दिया, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की, और तो और जान से भी मारने की कोशिश की, जस्ट बिकॉज तू रिच और पावरफुल है। हैन उसे माफी मांगती है कि मुझे एक चांस दे दे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। जैनी कहती है, पर मेरे पास तेरे लिए माफी की कोई जगह नहीं है, जाओ जाओ पुलिस को कॉल करो। वो कहता, ओके मम्मी। जैनी कहती है, मेरा बदला पूरा हुआ, इसने तुम सब लोगों को बुली किया था, तो आगे तुम लोग देखो इसके साथ क्या करना है। और उसके जाते ही वो सब लड़कियां आकर हैन को मारने लगती हैं। जैसे वो घर आती है, मिस्टर मिंग उसे स्लीपर देता है, बट वो कहती, मैं थक गई हूँ, रेस्ट करने जा रही हूँ। याओ कहता है, मम्मी तो अब भी आपको भाव नहीं दे रही है। रूरू कहती है, डैडी आप बहुत रिच और वेल्थी फैमिली से निकले ना, और रिच और वेल्थी लोग कई बार बहुत स्पॉइल्ड होते हैं, तो कहीं आप मम्मी से हम लोगों की कस्टडी ना मांगने लग जाओ। पहले तो आप सिर्फ एक्टर थे और मम्मी भी सिंगिंग क्वीन थी, तो आपका कंपैरिजन कर सकती थी, पर जब आप रिचेस्ट फैमिली के वारिस निकले तो मम्मी के लिए ये सब बहुत मुश्किल हो गया है। मिस्टर मिंग कहते, तुम दोनों अपने डैडी के सामने उसकी बुराई कर रहे हो? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ,
कहती, डैडी हम मैं तो बस फ्यूचर की बातें बता रही थी। वो पूछता, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वो दोनों कहते हैं, तो हम दोनों आपकी हेल्प करेंगे मम्मी को बटाने में। जानी सो रही होती तभी दोनों बच्चे भाग के आते हैं, मम्मी जल्दी उठ जाओ, हमने आपके लिए ड्रेस भी तैयार कर रखी है, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। तो जानी बॉलर ड्रेस पहन के आती है। जाओ कहता है, मम्मी तो एकदम मस्त लग रही है। रूरू कहती, मेरी मम्मी कितनी ब्यूटीफुल है। और फिर दोनों बच्चे उसे पकड़ के ले जाते हैं, उसे गार्डन ले आते हैं और आगे धक्का मार के खुद भाग जाते हैं। जेनी कंफ्यूज थी, ये दोनों इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। तभी एक एक करके कॉस्ट्यूम वाले टेडी बियर्स आते हैं और जेनी को सॉरी बोल के रोज देके जा रहे थे। वो कंफ्यूज थे, तभी थोड़ी देर बाद मिस्टर मिंग आ जाता है और कहता है सॉरी। वो कहती है, इतनी तेज क्यों बोल रहे हो, मुझे एम्बेरस कर रहे हो। मिस्टर मिंग कहता है, मुझे पता है तुम्हें बच्चों को अकेले पालने में कितनी मुश्किल हुई होगी, बच्चों को खोने का डर तुमसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा कि तुम मेरी लाइफ में आओ, मैं बस चाहता हूँ मुझे अपनी लाइफ में आने दो ताकि मैं एक अच्छे हस्बैंड और अच्छे फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकूं, प्लीज मुझे माफ करके एक चांस दे दो। चैनी कहती है, मैं बच्चों को बाप सिर्फ उसे एक्सेप्ट करूंगी जिसे मैं लाइक करती हूँ। मिस्टर मिंग उसे रोज देख कहता है, तो क्या तुम मुझे लाइक करती हो। वो ले लेती है तो मिस्टर मिंग उसे किस करने लगता है। उन दोनों किस चल रहा था और दोनों बच्चे दूर से उन्हें झांक के देख रहे थे। रूरू कहती है, अब तो हमें जल्दी लेटर सिबलिंग मिल जाएगा। यो कहता, अरे नहीं कुछ बुरा होने वाला है। तभी तो गुंडों ने बेहोश करके किडनैप करके ले जाते हैं। मिस्टर मिंग कहता है, क्यों ना हम बड़ी से शादी करें, बताओ ट्रेडिशनल स्टाइल में करोगी या वेस्टर्न स्टाइल में, या बीच पे चले, तुम व्हाइट वेडिंग ड्रेस पहनना, अगर ट्रेडिशनल करनी है हमारी छाव फैमिली के रॉयल मेंशन में करेंगे, तब तुम रेड ब्राइडल ड्रेस पहनना। जैनी कहती है, मुझे कोई भी मंजूर है अगर शादी तुमसे हो रही हो तो। मिस्टर मिंग उसे दोबारा किस करने वाला होता है और तभी उसका फोन बजने लगता है, तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। हैन कहती है, तेरे बच्चे मेरे पास है, अगर उन्हें बचाना है तो वेयर हाउस में आ जा। दोनों दोनों भागकर वेयर हाउस में आते हैं और कहते, तो बच्चों को छोड़ दे। हैन कहती है, सुना तेरे बच्चों के पास बहुत सुपर पावर्स हैं, मुझे पता मैं डायरेक्टली तो इन्हें हरा नहीं सकती, इसलिए मैंने नशा दे के बेहोश कर दिया है इन्हें और बांध दिया है ताकि ये फाइट बैक न कर सके। हैन जैनी की चाकू मारने वाली होती है। मिस्टर मिंग कहते, रुको, तुम चाहती क्या हो, हम तुम्हें दे सकते हैं। हैन कहती है, तू सच में अपने बच्चों को बचाना चाहता है। मिस्टर मिंग कहता, हाँ तू बच्चों को जाने देगी तो जो कहेगी मैं बोल दूंगा। जैनी कहती है, तेरी दुश्मनी मुझसे है ना, तो बच्चों को जाने दे। हैन कहती है, बिल्कुल नहीं, तुझे जान से मारना तो मेरा फर्स्ट स्टेप है और फिर उसके बाद मैं मिस्टर मिंग से शादी करना चाहती हूँ, वो भी सब लोगों के सामने। मिस्टर मिंग कहता है, तुम बेवकूफ हो क्या, उससे शादी करना चाहती हो जो तुम्हें लव नहीं करता, अपनी लाइफ में बात करनी है। हैन कहती है, किसी तरह लव चाहिए मुझे, बस तेरे पैसे और रिच और पावरफुल बनना है। मिस्टर मिंग कहता है, बच्चों को छोड़ दे, मैं तुझे पूरी झाओ फैमिली दे दूंगा। हैन कहती है, पर उससे पहले तुझे इस मिंग को मारना होगा, तभी मुझे शांति मिलेगी, वरना मैं तेरे बच्चों को मार दूंगी। जैनी कहती, रुक जा, और मिस्टर मिंग को डंडा देने लगती है उसे मारने के लिए, अगर तुमने अभी ये स्टेप नहीं लिया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मिस्टर मिंग डंडा लेके मारने वाला होता है पर उसकी बजाय हैन पे अटैक करने लगा था, तो हैन के गुंडे उस पर फाइट करने लग जाते हैं और फिर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। हैन कहती, तू नहीं मार सकता, क्या हुआ, तो मैं खुद ही मार देती हूँ इसे। और जैसे उसे चाकू मारने वाली होती है, रूरू के स्कूल जाती है और वो अपने पावर से रस्सी तोड़ के जैनी को किक करके बुड़का देती है और गुंडों को भी एक एक घूसे में उड़ा दिया था। जाकर पूछते, मम्मी आप ठीक हो ना। हैन एकदम हैरान, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे एनेस्थीसिया से बेहोश किया था। जाकर कहते, तुझे क्या हम स्टूपिड लगते हैं, मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, हमें पहले से पता था तू क्या करेगी, इसलिए रोरू ने बस बेहोश होने का नाटक किया था। हैन कहती, तुमने मेरा पागल बनाया। जैनी कहती है, हमें बस तेरे खिलाफ ठोस प्रूफ चाहिए थे, अब ये सब वीडियो के बाद तू जेल से कभी नहीं बच पाएगी। मिस्टर मिंग के ऑर्डर पे बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, पर हैन तो पागल हो गई थी। जाकर कहता है, चलो इसका मैटर खत्म हुआ। रूरू पूछती, मम्मी अब हमें कहाँ जाना है। जैनी कहती, ऑफ कोर्स घर पे, और मिस्टर मिंग की तरफ देखने लगी थी। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।